कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। बात करेंगे आज दलहन बाजार के बारे में, जानेंगे दलहन बाजार में किस तरह से कारोबार आप देख सकते हैं, चने के बाजार में आज किस तरह से कारोबार चल रहा है दलहन बाजार में, चने के बारे में खास तौर से हम विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कीमतों के बारे में और आज के ट्रेंड के बारे में। अगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चने को लेकर आज गिरावट के साथ हफ्ते की शुरुआत में पहले दिन कारोबार देखा गया है, 50 से लेकर 80 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार हुआ है, जिसको देखते हुए दिल्ली की लॉरेंस रोड की मंडी में राजस्थान के चने के दाम 5100 से लेकर 5175 रुपए के बीच बाजारों में देखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करते हैं, चने के भाव 5000 से लेकर 5050। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। 5050 रुपए प्रति क्विंटल बोले गए हैं दैनिक आवक 25 से 30 मोटरों की बाजारों में हुई है। चने को लेकर जो तेजी नहीं बढ़ पा रही है उसकी वजह के बारे में बात करी जाए तो बड़े भाव पर मिलों की मांग नहीं बढ़ पाई है, इसी वजह से बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। ऊपर से नेफेड भी बराबर सस्ता चना बेच रही है और साथ ही चने में चालू रबी में चने का बुआई बढ़ी हुई है और चालू महीने के अंत तक नए चने की आवक भी शुरू हो जाएगी, तो इन सारी चीजों का असर चने के बाजार पर देखा जा रहा है और बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी नहीं है और नेफेड की बिकवाली जब तक बनी रहती है तब तक आपको चने में गिरावट के साथ ही कारोबार देखने को मिल सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, अगर आज की खबरें आपके लिए उसको नतलाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।